गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर वन में एक्सरसाइज वन, उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। या जैसे गुणधर्म है तो उसमें तो आपको गुणा भाग करने होते हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक चीज है वो है जिसे आपका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, यानी कि आपको चिन्हों का ही उल्टा करना है, संख्या उल्टी नहीं करनी। जैसे माइनस का 2/8 है तो आप इसको कर दोगे प्लस का 2/8, क्लियर। या फिर उसने दिया है 2/8 लिखा है तो आप इसका उल्टा कर दो, माइनस का 2/8 कर दो, क्लियर। और देखो आप ये साथ में अगर आपको दे रखा है इस तरह से कि माइनस का 2/8 और माइनस का 2 और माइनस का ही 8 दे रखा है, तो आपको पता है कि जब दो माइनस के चिन्ह हो तो एक ही माइनस का चिन्ह रखो और एक हटा दो, क्लियर हो गया। इस तरह से आपको योज्य प्रतिलोम करने हैं। अगला है, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, आप डिजिट को उल्टा कर दो। जैसे मान लो 13 लिखा है, अब 13 में आप क्या उल्टा करोगे, तो एक ही संख्या है तो आप इसके क्या करोगे, बटे में 1 लगा दोगे अगर नहीं लिखा हुआ है, और आप इसको कर दो उल्टा, 1 ऊपर कर दो और 13 कर दो नीचे, तो ये हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। और अगर आपको उसने दे रखा है 2/7 दे रखा है तो आप कर दो 7/2, लेकिन अगर आपको उसने दे रखा है -3/5 यूँ दे रखा है तो आप इसको चिन्ह तो रहने दोगे और लिखोगे -5/3, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह जैसे है जहाँ है वैसे ही रहने दो आप उसको, और केवल अंकों को जो है वो उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदल दो। ये होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। एक होता है किसी भी संख्या को अगर आपको मिश्र भिन्न में दे रखा है तो उसको आपको पहले साधारण भिन्न में हल करना है बदल के, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे 8 को 2 से गुणा किया, 8 × 2 = 16, 16 में 5 जुड़े तो 21/8, ये हो गया। और अगर आपको मान लो उसने मिश्र भिन्न दे, साधारण भिन्न दे रखी है और आंसर में आपको अगर कट भी नहीं रहा, पहले देखो काटो, कटता नहीं है, तो फिर उसके बाद में लास्ट आंसर में नीचे वाली संख्या का ऊपर वाले में भाग दे दो। जैसे 8 का भाग 21 में दिया तो 8 × 8 8 × 2 = 16, 8 × 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 × 2 = 16, कितना बचा 5, तो यानी 2 बार भाग गया साइड पे, शेषफल बचा 5 वो ऊपर, 8 का भाग दिया था वो कर दिया नीचे, तो ये हो गया आपका मिश्र भिन्न का साधारण में बदलना या फिर साधारण भिन्न का मिश्र भिन्न में बदलना। तो ये मैंने आपको कर दिए। अगला, जैसे कुछ कोई क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाता है कि 1/2 को 5/7 के व्युत्क्रम से गुणा, यानी आपको किसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, 5/7 के व्युत्क्रम से, तो आप क्या करोगे 1/2 गुणा इसका व्युत्क्रम कर दो, यानी गुणात्मक व्युत्क्रम होता है उल्टा, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 5 चला जाएगा नीचे। अब आप इसको गुणा कर दो, कटता है तो काट दो, कोई संख्या नहीं कट रही, 7 और 2 एक पहाड़े में नहीं आते, 7 और 5 एक पहाड़े में नहीं आते, तो यानी सीधा गुणा करो, 7 को 1 से 7 = 7 और नीचे 5 को 2 से गुणा किया, 5 × 2 = 10, तो ये आ गया आपका व्युत्क्रम से गुणा, क्लियर। व्युत्क्रम का मतलब ही है उल्टा। एक है शून्य का कोई व्युत्क्रम होता है क्या? शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, क्लियर। दूसरी चीज देखो आप, संख्याएं स्वयं के, कुछ संख्याएं ऐसी है जो अपनी व्युत्क्रम खुद ही है, स्वयं की व्युत्क्रम, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो अपनी व्युत्क्रम खुद ही होती है, जैसे 1 और -1, 1 होगी और -1 होगी, ऐसे ही -5 का व्युत्क्रम। अब ऐसे पूछा -5 का व्युत्क्रम कैसे लिखोगे, नीचे 1 लगा दिया यानी -1/5 हो जाएगा। अगला है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, कोई भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। जो मेन क्वेश्चन जिस तरह के बनते हैं उस तरह के मैंने आपको बता दिया। अगला,
और देखो रिवीजन में आपके कुछ क्वेश्चंस है, जैसे नंबर लाइन पे निरूपित करना या ऐसी पांच परिमेय संख्याएं लिखो जो दो से छोटी है, यानी दो से छोटी परिमेय संख्या। अब दो से छोटी परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे एक हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस एक हो सकता है, माइनस दो हो सकता है, माइनस तीन हो सकता है। तो ये सारी दो से छोटी परिमेय संख्याएं जितनी भी आप करते जाओ उतनी आती जाएंगी, ठीक है। अगर बड़ी पूछी है, जैसे मान लो उसने पूछा माइनस दो से बड़ी परिमेय संख्या, अब माइनस दो से बड़ी परिमेय संख्या निकालनी हो तो अपन कैसे निकालेंगे, माइनस एक इससे बड़ा है, इससे बड़ा जीरो है, जीरो से बड़ा एक है, एक से बड़ा दो है, दो से बड़ा तीन है, तीन से बड़ा चार है, इस तरह से बढ़ती जाएंगी। तो ये हो गए माइनस दो से बड़ी परिमेय संख्याएं। बाकी तो आपको मैंने क्वेश्चन वाइज आपके पास में वीडियोस में करवा रखे हैं, तो मेन जो चीज़ है आपकी वो यही है कि कितनी परिमेय संख्याएं हैं, व्युत्क्रम करना, उल्टा करना, यही सब चीज़ें उसने बताई हैं। अब जैसे बोल रहा है 3/5 जितने 10 परिमेय संख्या, तो ये बाकी सारी आपको क्वेश्चन बता रखा है। फिलहाल आपके ऑब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन बनते हैं तो कुछ इसी तरीके के बनते हैं, योज्य प्रतिलोम निकालना, व्युत्क्रम निकालना, जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है, माइनस एक क्या स्वयं की व्युत्क्रम संख्या है, या एक क्या अपनी स्वयं की व्युत्क्रम संख्या है, या माइनस पाँच का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है, या दो से बड़ी कौन सी परिमेय संख्या है, या माइनस दो से छोटी कौन सी परिमेय संख्या है, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन जो है, या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, या योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि मैंने आपको समझाए हैं। और कल अपन करेंगे चैप्टर 2 का रिविजन दोबारा से, और अपने एग्जाम की तैयारी प्रॉपर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।